प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी की ओर से प्रेषित की गई शुभकामनाएं हम तक पहुंच चुकी है और हमें मिलती जा रही है आपकी टिप्पणियां भी। और आज के विषय के बारे में आप सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे रेडियो सुनने की आदत मेरे बाबूजी को देखकर लगी है, पर मुझे रेडियो सुनता देख मेरे बच्चों को आदत नहीं लग रही है रेडियो सुनने की। ऐसा क्यों? नए जमाने के बच्चे विविध भारती क्यों नहीं सुनते हैं? और अगर हम सुनते हैं तो रेडियो की आवाज कम करवा देते हैं। और उस पर बाकी श्रोता भी अपनी अपनी बात लिख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आगे हमारी श्रोता का कमेंट है, लिखती है कि आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। जब भी ये शब्द कानों में पड़ते हैं तो वक्त का पहिया एक बार फिर बीते दौर की सुनहरी यादों की ओर ले जाता है, जहां मनोरंजन या सूचना प्रसारण के अलावा दिलों की बात होती थी। तकनीक ने भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर रेडियो के प्रति आज भी लगाव कम नहीं हुआ है। रेडियो दिवस पर रेडियो के बारे में आपकी बातें जारी रहेंगी। कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले सुनवाते हैं 1965 की फिल्म का गाना। आपको फिल्म का नाम है बताना। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। एक हिंट आपको दे देते हैं, फणी मुजुमदार निर्देशित इस फिल्म में, इस गीत में केवल फिरोज खान जो फिल्म के नायक है दिखाई देते हैं, जो हाथ में रेडियो लिए हुए हैं और उसमें ये गाना चल रहा है। बताइए फिल्म का नाम। जाए हारे तेरी चल।
सुल्तानपुरी का रचा हुआ, चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे और जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म का नाम ऊंचे लोग। रेडियो के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोता ने लिखा है कि रेडियो और उसके सुनने के साधन शुरुआती दौर में रेडियो में बड़े बड़े वॉल्व लगकर आते थे और उससे रेडियो बजता था जिसको हाइब्रिड रेडियो बोला जाता था। उसके बाद बैटरी से चलने वाले, एल्यूमिनेटर से चलने वाले रेडियो आए, सिलिकॉन रेडियो जो ट्रांजिस्टर से ऑपरेट होते थे, अब FM आ गए हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट से ऑपरेट होते हैं, और FM का मतलब एकदम क्लियर और साफ आवाज जिसका चलन बढ़ चुका है। और उसके बाद हमारे एक श्रोता ने विस्तार से रेडियो प्रसारण के बारे में, उसका जो स्वरूप है उसके बारे में लिखा है कि आज के दौर में भले ही इंटरनेट का स्तर और प्रसार काफी बढ़ गया है, लेकिन कई घरों में वो पारंपरिक रेडियो के बजने की आवाज आज भी सुनाई देती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो ऐसा माध्यम है जो जन माध्यम का वृहद रूप धारण किए हुए है, और ये अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी इसके द्वारा उच्चरित शब्दों को सुनकर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुभूति करता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी अनिवार्य है। कहा भी गया है कि आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है, और उसके इस जादू का उपयोग सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए किया जाना उचित ही है, जो रेडियो की प्रासंगिकता को भविष्य में भी बनाए रखेगा। चलिए कार्यक्रम में अगला गाना अब आपको सुनवा रहे हैं 1960 की फिल्म बरसात की रात से। इस फिल्म का ये शीर्षक गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। आपको बताना है कौन है जो रेडियो पर गा रहा है और कौन है जो इसे रेडियो पर सुन रहा है। जी हाँ, फिल्म के नायक नायिका का नाम बताइए। छोड़ा उसने आग पर
पानी में लगाते हुए आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी वो आसमानों से उतर बरसात की रात फिल्म का शीर्षक गीत आप सुन रहे थे जिसे रेडियो पर गा रहे थे फिल्म के नायक भारत भूषण और इसे रेडियो पर सुन रही थी अभिनेत्री मधुबाला दोनों जवाब सही है। सभी को प्रणाम करते हुए रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमारी श्रोता लिखती है कि रेडियो के बिना जीने की तो सोच भी नहीं सकते। जब छोटी थी तो रेडियो चलाकर पढ़ाई करती थी तो जल्दी याद हो जाता था, फिर गृहस्थ बनी तो किचन में मेरा साथी बना, अब बच्चे बड़े हो गए हैं कुछ व्यस्तता भी कम हुई तो अकेलेपन का साथी बन गया है। विविध भारती के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, सभी उद्घोषकों को प्रणाम और बधाई। उसी के बाद एक और कमेंट है हमारी श्रोता का, जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पिताजी रेडियो लेकर आए थे क्योंकि रेडियो सुनना उनकी दिनचर्या में शामिल था। हम भाई बहन रेडियो पर गाने के अलावा कहानी नाटक सुनने लगे और हमारे पटना रेडियो स्टेशन से लोहा सिंह नाटक सुनते थे। बिना का गीतमाला के बिना सब कुछ सुना लगता था। अब तो प्रभाती से लेकर छाया गीत तक प्रोग्राम चलता रहता है और सखी सहेली कार्यक्रम हमें अच्छी शिक्षा प्रद कहानियां सुनने को मिलती है। सभी उद्घोषकों और उद्घोषिकाओं को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का अभिनंदन करते हुए और आपको शुभकामनाएं देते हुए और शुक्रिया कहते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए आ रहा है 1965 की फिल्म फरार का ये गाना, लता मंगेशकर का स्वर है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। प्यार की दास्तां
सभी जवाब बिल्कुल सही है। कैफी आजमी का लिखा ये गाना था, संगीतकार हेमंत कुमार। हमारी श्रोता का कहना है कि बचपन से सुनते रहे हैं रेडियो, और हमें 1983 की कमेंट्री वर्ल्ड कप फाइनल वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया याद है। रात को, आधी रात को हमने हमारी शहर में गांधी चौक पर खूब मस्ती किए थे। इंडिया की जीत का जश्न हमने मनाया था। सबकी अलग अलग यादें हैं रेडियो को लेकर के, और हमारे श्रोता का क्या कहना है आपको बताते हैं। लिखते हैं कि सुबह की मधुर धुन से ही स्थानीय केंद्रों से भजन, प्रादेशिक समाचार और दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय समाचार बहुत ध्यान से सुनते थे। मेरे पिताजी भी रेडियो अपनी दुकान पर भी सुनते थे, तब दुकान पर बजाने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता था। और बचपन की याद है कि जब छोटा था तब अपने ननिहाल रेडियो लेकर गया था, कंधे में लगाकर घर से दुकान पर भी ले जाया करता था। मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने होने के कारण जरूर लाइसेंस रखना जरूरी था। कभी रेडियो इंस्पेक्टर लाइसेंस मांगते तो बताना पड़ता था, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा वो कहते थे शायद। और इसी श्रोता का अगला एक कमेंट है कि पुराने जमाने में वॉल्व वाले रेडियो आते थे, और विशेषकर चाय नाश्ते के होटल पर, पान की दुकानों पर जरूर होते थे। किसी के पास रेडियो ना हो तो वो वहां जाते थे और अगत्य से समाचार सुनते थे। आज भी मेरे पास 3 सेल का विजय मॉडल रेडियो है, और एक जर्मनी का रेडियो है, 3 बैंड FM ईयरफोन वाला रेडियो है, उसके उन पर ही मैं KBKG प्रोग्राम ऑफिस में सुनता हूँ। और इन्हीं कमेंट्स के बीच हमारा अगला गाना 1973 की फिल्म अभिमान से, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, SD बर्मन का संगीत। आपको बताना है फिल्म अभिमान के निर्देशक का नाम। मेरे जी का, मेरे दिल का चैन।
हाय श्रोताओं, आपने फिल्म अभिमान के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित एक और फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मगर उससे पहले बताएं हमारी एक श्रोता ने क्या लिखा है। आज सुबह सबसे पहले मैंने अपने साथी रेडियो को हैप्पी बर्थडे विश किया, जिसका आपको नशा हो जाए तो उससे अलग और आगे आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही रेडियो मेरे जीवन से अलग नहीं है। मेरे लिए रेडियो कोई एपरेटस अर्थात उपकरण नहीं, बल्कि ऑर्नामेंट अर्थात आभूषण है, जिसे बहुत संभाल कर रखा है। अपने शिक्षा काल में विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री से जुड़ी बहुत सी परिचर्चाओं में भाग लिया। आज वो रेडियो स्टेशन, वो स्टूडियो, वो रिकॉर्डिंग और फिर प्रसारण की तिथि और समय का इंतजार सब याद आ गया। हमारी श्रोता याद कर रही है अपने बचपन के दिनों को और लिखती है कि हमने तो रेडियो के लिए पिटाई सही। दसवीं में तब ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम रात 11 बजे से शुरू होते थे। हम बहनें चुपके से रेडियो की आवाज कम रखते हुए पढ़ाई करती थी। एक बार बाबा जाग गए, उन्होंने देखा तभी पीट दिया हमें। सबके अपने अपने अनुभव है और साथ में बीच बीच में सभी श्रोताओं की ओर से शुभकामनाएं भी आ रही हैं। तो इसी बीच अगला गाना जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, जैसा हमने आपसे कहा, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म अनुराधा का ये गाना है। 1960 की फिल्म, लता मंगेशकर की आवाज, और आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। बहुत मशहूर फिल्म है। साथ में इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे, उनके नाम भी आपको बताने हैं। सही आपका जवाब है, शैलेंद्र का रचा हुआ ये गीत था। अनुराधा फिल्म से संगीतकार पंडित रविशंकर और इस फिल्म के नायक थे बलराज साहनी, नायिका लीला नायडू। सभी जवाब बिल्कुल सही है।
विश्व रेडियो दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए हमारी श्रोता ने लिखा है कि रेडियो का मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। रेडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली कार्यक्रम का संचालन कैसे करें, प्रस्तुति के पहले कैसे समा बांधा जाता है और भी बहुत सी सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हमने सीखी है रेडियो से। जब स्कूल कॉलेज में थे तब 5:55 से रेडियो की शुरुआत म्यूजिक यानी संकेत धुन की आवाज और फिर वंदनवार से लेकर बेला के फूल कार्यक्रम तक सारे कार्यक्रम सुनना ये दिनचर्या हमें शामिल होता था। 14वें जन्मदिन पर तोहफे में जिद करके पॉकेट रेडियो लिया था, फिर तो ये आलम था कि मैं जहां भी जाऊं रेडियो हमेशा मेरे साथ रहता था। और उसी के बाद हमारी एक अन्य श्रोता का कमेंट है, लिखती है कि रेडियो बचपन से ही मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, आज भी है। बचपन से ही रेडियो पर संगीत समाचार और क्रिकेट कमेंट्री बहुत सुना करते थे और आज भी सुनते हैं। आज भी बरसों से मेरे किचन में अलग से रेडियो रखा है जिसे मैं प्रातः 6 से काम करते हुए सारे विविध भारती के कार्यक्रम नियमित सुनती हूँ। अब तो रेडियो के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। का सिलसिला भी जारी है और गीतों का भी सिलसिला जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। अब आप सुनने वाले हैं श्रोताओं 1964 की फिल्म चा 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 का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज है। आपको बताना है इस फिल्म के नायक का नाम जो फिल्म के निर्देशक भी है। नीरज की रचना, इकबाल कुरैशी का संगीत। बताइए फिल्म के नायक का नाम जो फिल्म के निर्देशक भी है। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थे प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे, ना रो सके, ना दूर पर पहुंच सके, ना दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहे, कहानी किससे ये कहे, चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे, तुमने मुझको दी नजर, दी नजर। बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी, शमा है एक मजार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे, शब नहीं, शहर नहीं, कदम नहीं,
खुशी नहीं कहाँ ये लेके आ गई, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह। अच्छा अच्छा अच्छा, फिल्म का गीत आपने सुना। हमने आपसे पूछा था फिल्म के नायक और निर्देशक का नाम, तो जवाब बिल्कुल सही है आपका, चंद्रशेखर। विश्व रेडियो दिवस के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे एक श्रोता ने दी है, और आगे लिखते हैं कि रेडियो और खास करके विविध भारती से मेरा खास लगाव रहा है। 1981 में जब मैंने बैंक सर्विस घर से दूर ज्वाइन की थी तो वहाँ विविध भारती का मुझे खूब सहारा मिला। पंचरंगी प्रोग्राम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा ने हमारा भरपूर मनोरंजन किया। रात को 10 बजे आने वाला छाया गीत मेरा पसंदीदा प्रोग्राम रहा है। रात भर चलने वाली राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सुनते सुनते कब नींद लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। उसके बाद एक और श्रोता का कमेंट है, बचपन में समझदारी की उम्र आते आते रेडियो कब मेरा दोस्त बन गया मुझे पता ही नहीं चला। बचपन में इंदौर आकाशवाणी से रविवार प्रसारित होने वाला बाल जगत कार्यक्रम, इसका हम बेसब्री से इंतजार करते थे। आज रेडियो मेरे सुख दुख का साथी है, जब भी कोई गीत बजता है तो मुझे लगता है मेरे लिए ही बज रहा है। उसके बाद एक और हमारी श्रोता है, लिखती है कि रेडियो ने अपने इस नए अवतार में समय के किसी कतरे में खुद को किसी खास विधा पर केंद्रित नहीं रखा, बल्कि एक ही समय में रेडियो बहुविध सूचनाएं और मनोरंजन दे रहा है। रेडियो की इस अप्रत्याशित सफलता में तकनीकी का बहुत बड़ा हाथ है। बचपन में रेडियो सुनने के लिए एरियर लगाना पड़ता था, मगर एफएम ने देश काल स्थिति परिस्थिति को समझा है। यहाँ किसान भाइयों के लिए भी कार्यक्रम है तो शिक्षा से संबंधित भी अनेक कार्यक्रम है। एक जमाना था जब हर बुधवार की शाम 8 बजे सड़कों से ट्रैफिक गायब हो जाता था, दुनिया ठहर जाती थी, सभी संगीत प्रेमी सांस रोक के अपने रेडियो सेट पर बिना का गीतमाला का इंतजार करते थे। संगीत रस बरसाने में रेडियो का कोई सानी नहीं, रेडियो के चाहने वालों के लिए रूप बदल कर रंग जमाने नए अवतार में रेडियो की धड़कन हर चाहने वालों की सांसों में बसी है। तो चलिए अब कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ा जाए। श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं 1964 की एक फिल्म का गाना जो मोहम्मद रफी की आवाज में है, शकील बदायूनी के बोल, एसडी बर्मन का संगीत। आपको फिल्म का नाम बताना है, वैसे हिंट दे दें ये आत्माराम निर्देशित फिल्म थी और इसमें मुख्य कलाकार थे विश्वजीत, नंदा, रहमान, ओम प्रकाश, नाज, असीत सेन और दुर्गा खोटे। इतना सब आपको बता दिया है, बताइए ये किस फिल्म का गाना है।
कर दे जो तुझसे दूर मुझे, मैं हूँ सनम। मैं हूँ सनम अपराधी तेरा, मौत भी है मंजूर मुझे, पर वो सजा मैं सह ना सकूंगा। कर दे जो तुझसे दूर मुझे, दिल से भुला दे मेरी खताएं। कुछ श्रोताओं ने जवाब देने की कोशिश की और बिल्कुल सही है जवाब, कैसे कहूं फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। विविध भारती परिवार को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की थीम में मैं शामिल हूं, लिखती है हमारी श्रोता, मनोरंजन सूचना और शिक्षा तो रेडियो बचपन से हमारा मनोरंजन तो कर ही रहा है, साथ में जब आपातकाल में कम्युनिकेशन के दूसरे साधन जब काम नहीं आते तब सारी सूचनाओं रेडियो पर ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं और शिक्षा तो हमें रेडियो से आजीवन मिलती ही रहती है। जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रेडियो में अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमारी भाषा पर हमारा प्रभुत्व बढ़ता है रेडियो सुनने से। रेडियो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और हमें अच्छा इंसान बनाता है। उसी के आगे हमारे एक और श्रोता का कमेंट है, लिखते हैं कि रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बचपन से रेडियो फिर ट्रांजिस्टर से गीत संगीत के साथ बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें सीखी हैं और आज भी जो ज्ञान मिला है उसका फायदा उठाता हूं। विविध भारती का छाया गीत बचपन से लेकर आज तक मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम रहा है और आपका ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक कमेंट लिया जाए, लिखते हैं श्रोता, रेडियो जिसकी आवाज ही पहचान है, मेरे पापा रेडियो सुनने के शौकीन थे, बड़े साइज का रेडियो पहले हमारे घर में हुआ करता था जिसको ऑन करते ही राइट साइड में छोटी सी ग्रीन रंग की लाइट शो हो जाती थी, रेडियो को ड्राइंग रूम में बड़ा ही सजा कर रखा जाता था। आज विश्व रेडियो दिवस के बहाने अपना बचपन भी श्रोता याद कर रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं, श्रोताओं आपको सुनवाते हैं 1977 की फिल्म अनुरोध का ये गाना जो किशोर कुमार की आवाज में है, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और इस फिल्म में मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया। आपको बताना है शक्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक का नाम। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान, क्या रंग खिला क्या रूप सजा, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। Thank you.
दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से, कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। मेहरबान है जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये रात वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो, और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो, लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से, कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, अनुरोध फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत, जवाब सही है। हमारे श्रोता का कमेंट कुछ इस तरह से आया है, लिखते हैं कि हमारे समय में यानी बचपन से इंटरनेट आने तक के कालखंड में रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन और शिक्षा का साधन रहा है। विज्ञान जगत कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से 70 के दशक में प्रसारित होता था और लाभप्रद था, क्योंकि उन दिनों स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते थे। जब अपने बच्चे उसी उच्च पढ़ाई की आयु तक पहुंचे, तब विविध भारती पर यूनुस खान जी यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम लेकर आए, जो मुझे बेहद पसंद आया। इसलिए मैंने अपने और अपने मित्रों के बच्चों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताया और सुनने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम और सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से भिन्न भिन्न श्रोताओं के विचार सुनने को मिलते हैं, तो उससे भी ज्ञान वृद्धि हो रही है, लेखन की आदत का भी अच्छा उपयोग हो रहा है। अगला कमेंट है, मेरा बचपन से ही रेडियो से विशेष जुड़ाव रहा है, जो आज भी कायम है। खासकर कोरोना महामारी के समय विविध भारती से प्रसारित सभी कार्यक्रम के कारण निराशा से घिर जाने से बची रही सभी उद्घोषकों को शत शत नमन। उसी के बाद का जो कमेंट है हमारी श्रोता ने लिखा है, रेडियो से अधिकांश लोगों की दिनचर्या का एक खास हिस्सा है। किसी को काम करते हुए रेडियो पर गाने सुनना पसंद है, तो किसी को पढ़ते हुए, कोई अपने तनाव को कम करने के लिए रेडियो सुनता है, तो कोई थकान मिटाने और रिलैक्स होने के लिए। हम भले किसी भी मकसद से रेडियो का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका उपयोग जरूर करते हैं। आज संचार के अनेक साधन उपलब्ध हैं, किंतु हम में से एक वर्ग ऐसा भी है जिसने सदैव रेडियो को ही प्राथमिकता दी है। उनके लिए रेडियो न सिर्फ संगीत का रंगमंच रहा, बल्कि मन का संचार, आत्मा का संगीत और भावनाओं की
की अभिव्यक्ति जैसा रहा। वक्त चाहे कितना ही क्यों न बदले, लेकिन रेडियो का वजूद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला एक और कमेंट आपको बताते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक था बचपन, बचपन के बाबूजी थे जो रेडियो बड़े चाव से सुनते थे। घर में सुबह से ही रेडियो शुरू कर देते थे। बड़े भाई को तो रेडियो से इतना लगाव था कि पूरे वॉल्यूम को खोलकर रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम को सुनते थे। उन्हीं का असर रहा कि बचपन से ही मैं रेडियो सुनता आया हूँ। आज रेडियो के बिना समय काटना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या के बावजूद भी रेडियो सुनना नहीं भूलता। शाम को ड्यूटी से आने के बाद रात 11 बजे तक रेडियो सुनना नहीं भूलता। आज विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो बरसात आपके कमेंट्स की हो रही है बिल्कुल बदस्तूर जारी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर गीतों की फुहार भी आप तक पहुंचनी चाहिए, तो अगला गाना आपको सुनवाता है श्रोताओं, 1968 की फिल्म मेरे हुजूर से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मेरे हुजूर फिल्म में रेडियो पर कौन इस गीत को गा रहा है और कौन रेडियो पर इसे सुन रहा है, यानी वही सवाल फिल्म के नायक नायिका के नाम आपको बताने हैं। आपने बिल्कुल सही लिखा है, मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत फिल्माया गया फिल्म के नायक जितेंद्र और नायिका माला सिन्हा पर।
विश्व रेडियो दिवस की बधाई देते हुए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो अपने आप में कमाल है। वक्त बदला, मौसम बदला, रेडियो ने नया नया आविष्कार किया समय के साथ। क्या दौर था, गीत संगीत और मनोरंजन से भरपूर था रेडियो का दौर। आज तो नया रंग, नया ढंग, निराला अंदाज, वक्त की रफ्तार बदली रेडियो ने। मुझे याद है जब क्रिकेट का मैच आता तो लोग रेडियो से ऐसे चिपक जाते थे जैसे छत्ते से मधुमक्खी। एक एक गेंद पर नया रोमांच, जीतने पर क्या शोर होता था, क्या कहूं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। और उसी के आगे हमारे एक पुराने वरिष्ठ श्रोता का कमेंट है कि विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के स्थापना के दिन से ही रेडियो सुनना शुरू हुआ और इस संदर्भ में 2007 के विशेष प्रसारण स्वर्ण स्मृति में मेरी और भोपाल के एक मित्र की छोटे साक्षात्कार प्रस्तुत हुए थे रेडियो पर। विविध भारती पर मिलना भी हुआ कई साथियों से। और आगे लिखते हैं कि स्थानीय केंद्र आकाशवाणी सूरत के एक फोन इन प्रोग्राम में इनका सबसे पहले कॉल लिया गया था और रेडियो के शौक ने ही श्री अमीन सायानी, हरीश भीमाणी जी, स्वर्गीय गोपाल शर्मा, श्री रिपुसूदन कुमार एलावादी, कमल बारोट और बाल गोविंद श्रीवास्तव जैसे फ्रीलांस प्रसारकों से मिलने का आपको अवसर भी मिला और रेडियो पर ही फिल्मी धुनों को सुनते हुए उन धुनों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने का शौक भी इन्हें हुआ। तो चलिए कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। 1970 की फिल्म खामोशी से लता मंगेशकर का स्वर और असीत सेन निर्देशित फिल्म खामोशी के गीतकार और संगीतकार के नाम आपको बताएं। महसूस करो प्यार को प्यार ही रहने
गीतकार गुलजार, संगीतकार हेमंत कुमार, दोनों जवाब सही है। और हमारी श्रोता लिख रही है कि मेरा बचपन से रिश्ता रहा है रेडियो से। उस समय संगीत सीखते थे तो और ज्यादा मजा आता था। पढ़ाई भी गाने सुनते हुए की है। रंग तरंग से लेकर हवा महल, फौजी भाइयों का पसंदीदा प्रोग्राम। शादी में माँ ने रेडियो इसीलिए दिया लेकिन ससुराल में नहीं सुन पाती थी। खैर जिंदगी बीती है। सभी गुणी जन गायकों के गाने सुनते हुए कभी सोचा नहीं था कि रेडियो पर लिखने का भी मौका मिलेगा। सभी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात सुनकर बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम जो भी अच्छा ज्ञान मिलता है लेते रहते हैं। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं दूल्हा दुल्हन फिल्म का ये गाना। मुकेश की आवाज है, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। बताइए किस अभिनेता पर यह गीत फिल्माया गया जो फिल्म के नायक है। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा झलक ही सुनवा पाएंगे इस गीत की। मगर इसी बीच श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं। दूल्हा दुल्हन फिल्म का ये गीत राज कपूर पर फिल्मा गया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi leaves on a 3-day visit to UAE and Qatar says cooperation with UAE in sectors like trade and investment and defense and security has grown manifold. President Draupadi Murmu shares an inspiring life journey in an exclusive interview on Akashvani with Union Minister Smriti Irani. Former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan joins BJP after quitting Congress. Joint entrance examination JEE mains 2024 results announced.